हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को कभी बाजार का बर्गर मत खिलाइए, उन्हें घर का बना हुआ हेल्दी बर्गर खिलाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बर्गर बनाना। हमने ये बर्गर लिए हैं, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह के हमने बर्गर बेस ले लेने हैं। और ये मैंने दो टमाटर काट लिए हैं और एक मैंने प्याज काट लिया है। और ये मैंने चार आलू को ग्रेट कर लिया है। इसमें मैं कटी हरी मिर्च डाल देती हूँ और ये हरा धनिया डाल देती हूँ। और अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको मिला लूँगी। इनकी मुझे पिट्ठी तैयार कर लेनी है टिक्की बनाने के लिए। ये मैंने पिट्ठी तैयार कर ली है और मैंने गैस पर तवा रख दिया है। इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब मैं टिक्की बनाना स्टार्ट करती हूँ। और ये है, मैं इस तरीके से गोल गोल टिक्की बना लेती हूँ। ये हमें इस तरीके से टिक्की बना लेनी है। जो मैंने तवे पर घी लगाया था, ये भी गर्म हो गया है। अब मैं इस पर टिक्की डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, जिससे कि हमारी टिक्की अच्छे से सिक जाए और ये बिल्कुल एकदम कुरकुरी बन जाए। इस पर थोड़ा सा घी और लगा देना है और हमें दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेना है। पमीज इनको पलट कर इनको एकदम क्रिस्पी टिक्की बना लेनी है। देखो हमारी टिक्की कितनी अच्छी सिक गई है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब मैं तवे पर ये बर्गर को भी सेक लेती हूँ। इन पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। आप चाहे तो इन पर बटर भी लगा सकते हो, बटर से इनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तवे पर सेकने से बर्गर बहुत ही अच्छे बर्गर बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। इसलिए हमें इनको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। बर्गर भी हमारे सिक के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं इन पर टोमेटो सॉस लगा दूंगी। ये मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। दोनों बर्गर पर मैं इसको अच्छे से लगा लूंगी। अब मैं ये लगा लेती हूँ मेयोनीज। ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसको बना सकते हो। और अब मैं इस पर ये टिक्की लगा दूंगी और ये टमाटर के जो मैंने पीस काट रखे हैं ये लगा देती हूँ। और अब मैं प्याज लगा देती हूँ इस पर। और अब बर्गर को रख कर इस पर, देखो हमारा बर्गर बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना अच्छा बर्गर बन के तैयार हो गया है। आप अपने बच्चे को ये हेल्दी बर्गर बनाकर खिलाइए। अब मैं दूसरा बर्गर बनाना शुरू करती हूँ। इस पर भी मैं ये टमाटो सॉस लगाती हूँ इसी तरीके से। और ये थोड़ी सी लगाती हूँ मेयोनीज। और अब मैं इस पर टिक्की रखकर ये सारे टोमेटो के जो पीस हैं ये लगा देती हूँ और ये प्याज। और इस तरह से मैंने ये दूसरा बर्गर भी बना के तैयार कर लिया है। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बर्गर बन के तैयार हो गई हैं। अपने बच्चों को घर का बना हुआ हेल्दी बर्गर बना के खिलाइए और उनको लंच में भी इस तरह का बर्गर आप झटपट बना के दे सकते हो, क्योंकि बच्चों को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।